आज पूरे देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात को सुना। इसी क्रम में आज जो मन की बात कार्यक्रम था, गाजियाबाद से सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के साथ गाजियाबाद की आम जनता ने प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना और साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की फोटो पर फूल मालाएं चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर जनरल वीके सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर चल रही एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में निकल कर आई है। उन्हीं के विचारों को ध्यान में रखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी समाज के आखिरी छोर के व्यक्ति को भी सरकारी योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने एक मेडिकल कैंप का भी उद्घाटन किया। देखिए, आज मोदी जी के मन की बात थी, बहुत सारी उसमें चीजें बताई गई जो ताल्लुक रखती है कि कैसे लोग बाग हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से जो अलग अलग योजना उनका लोग बाग उपयोग कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से उनको लिखते हैं कि किस तरीके से चीजों को और अच्छा बनाया जाए। मन की बात का कार्यक्रम जो है वो एक जनमानस के साथ जुड़ा हुआ है और जिस तरीके से एक जन भावनाओं को आगे बढ़ाते हैं मोदी जी, ये उनकी एक बहुत बड़ी पहल है। इसे हर काम के अंदर जनता जुड़ती है। साथ साथ आज दीनदयाल जी की जयंती भी है, उनको भी पुष्पांजलि दी गई, लोग इकट्ठे हुए और उनको याद किया ताकि उनकी जो विचारधारा है और जो हमारी पार्टी की मूल विचारधारा है उसके ऊपर सब लोग अच्छे तरीके से चल सके।